नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने द डिंग डोंग थ्योरी पढ़ी थी, तो अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में हम द यो हे हो थ्योरी पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। यो हे हो सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो भाषा की उत्पत्ति है वो लयबद्ध राग, लोगों के भुनभुनाने, आह भरने तथा भारी शारीरिक श्रम करने से हुई है। तो भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? लयबद्ध राग, लोगों के जो भुनभुनाने की आवाज़ें होती है, आह भरने की, भारी परिश्रम, जो भारी शारीरिक क्रम श्रम करते हैं, तो उससे जो आवाज़ें आती है उससे जो है भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो 19वीं शताब्दी के महान विद्वान एल नॉयर ने लेबर कोलाहल सिद्धांत को संग्रहित किया, जिसको कि यो हे हो के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने सुझाव दिया कि जो प्राचीन लोग थे वे कोलाहल करते थे, कोलाहल यानी शोर करते थे, जिससे कि भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो कैसे कैसे कोलाहल करते थे? जैसे हांपना, इस चीज़ की आवाज़ें, भुनभुनाना इत्यादि प्राचीन लोग करते थे, जिससे कि भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो नॉयर ने देखा कि जब व्यक्ति शारीरिक श्रम करते हुए इकट्ठे कार्य करते हैं तो वे आवाज़ें निकालते हैं, जो लयबद्ध राग के रूप में ये हे हो आदि निकलती है, तथा इसी कारण से भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो नॉयर ने क्या देखा कि जो पुराने लोग होते थे वो इकट्ठे मिलकर कार्य करते थे, तो एक दूसरे का साहस बढ़ाने के लिए वो आवाज़ें निकालते थे, ये हे हो ऐसे आवाज़ें, तो जिससे कि भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो आगे है, यह सिद्धांत कहता है कि भाषा स्वर कथन, भुनभुनाना, हांफना आदि के प्रतिबिंब से विकसित हुई है। तो आगे है, जो प्राचीन लोग थे वो कठोर परिश्रम करते थे, तो कठोर शारीरिक श्रम में क्या, जैसे रुक रुक कर पशु की तरह खांसना, या भारी लकड़ी को झाड़ी से खींचने पर जो साउंड्स होती थी उससे है जो भाषा की उत्पत्ति मानी गई है। तो आगे है लयबद्ध राग, जो भाषा है वो लयबद्ध राग तथा लोगों के भुनभुनाने से शुरू हुई है। भुनभुनाने यानी जैसे लोग आपस में बातें करते थे, भुनभुनाते थे वैसे। तो ये सिद्धांत लोगों की असंतोष और दुख भरी आवाज़ों पर आधारित है। तो जब कोई लोग भारी काम करते थे तब उनसे जो आवाज़ें आती थी उससे जो है वो भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो प्लेटो के अनुसार भाषा सिर्फ व्यवहारिक आवश्यकता से विकसित हुई है, तथा आधुनिक इंग्लिश में कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जो द यो हे हो थ्योरी है उसमें क्या माना है, जो भाषा की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? लोगों के भुनभुनाने की आवाज़, आह भरने की, कराहने की, और जब वो शारीरिक श्रम करते थे उससे जो आवाज़ें आती थी उससे भाषा की उत्पत्ति मानी गई है। तो ये थी द यो हे हो थ्योरी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।